प्याज आ रहा है, बीच में कटहल के रेशे आ रहे हैं, बीच में प्याज आ रहा है, बीच में कटहल के रेशे आ रहे हैं। इसलिए भुनाई चालू रहनी चाहिए भाई और बहनों। आपके शहर में पहली बार रोजाना 400 ईस्टमैन कलर गरम मसाले का कटहल, गरम मसाले का कटहल, गरम मसाले का कटहल। दिल खुश हो गया, गरम मसाले का कटहल बनाया था। कुछ समय तक तो वो पड़ा रहा पड़ा रहा पड़ा रहा। आज जो है खोल के देखा तो उसके 2.6 मिलियन व्यूज। तो मैंने कहा अगर लोगों को कटहल से इतनी मोहब्बत है तो बिरयानी भी बना दो रणवीर सिंह बरार। तो नमस्कार, मैं हूँ कटहल बरार, और नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार, और आज बनाएंगे कटहल बिरयानी। सिंपल सी रेसिपी है, मुश्किल काम हम करते नहीं हैं। कटहल बिरयानी बनाने के लिए आपको चाहिए, ब्रेक के बाद बताऊंगा, म्यूजिक सुन के आइए। कॉलिंग एंड एक्शन। तो जी कटहल बिरयानी बनाने के लिए आपको चाहिए कटहल, ठीक है ना। और कटहल को साफ कैसे करते हैं मैं पहले बता चुका हूँ आपको। तो सबसे पहले नाइफ को लगा लें तेल, ताकि बाद में नाइफ ना साफ करनी पड़े। तेल कौन सा, हम सरसों का लगा रहे हैं, आप देख लीजिए ठीक ठाक लगा लीजिए। अब उसके बाद बीच से काटा, फिर बीच से काटा, फिर बीच से काटा, फिर से तेल लगा लिया थोड़ा थोड़ा। और अगर बहुत ज़्यादा कटहल को पकड़ रहे हैं तो हाथों को भी लगा लीजिए। ये जो हिस्सा है ना, ये गड़बड़ करता है, बीच का हिस्सा। तो अगर आप बीच के हिस्से को टच नहीं करेंगे हाथों से तो सूखी रहेंगे। तो अब ये बीच का हिस्सा पहले निकाल लेते हैं। वैसे कटहल जो है वो मेरे हिसाब से तीन किस्म से बेस्ट बनता है, ठीक है ना। एक तो वो मसाले का कटहल जो आपको बता दिया, एक कटहल की सब्जी तरी वाली, और तीसरा कटहल बिरयानी। वो इस कटहल को मैरिनेट करना भी देख लीजिए। सबसे पहले इसमें डालेंगे मिंट, फिर डालेंगे फ्राई प्याज, स्याह जीरा या शाही जीरा, फिर इसमें डालेंगे धनिया, फिर इसमें डालेंगे नमक, देगी मिर्चें, फिर इसमें डालेंगे हल्दी बिल्कुल नाम भर की, फिर इसमें धनिया, धनिया भी सिर्फ नाम भर का। और हमारा स्पेशल बिरयानी मसाला हमको बनाना पड़ेगा ना, सिंपल है बहुत। अगर आपको बिरयानी मसाला नहीं डालना तो आप गरम मसाला डाल सकते हैं, लेकिन वो बात नहीं रहेगी। जावित्री, थोड़ा लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची, नमक ताकि भुनाई अच्छे से हो, दालचीनी और तेज पत्ता। और ज़्यादा नहीं इसको भूनना है, हल्का सा बस पानी सुखाना है। बस मैंने मतलब भर का बनाया है, ये जो है इतना बहुत है अपनी बिरयानी के लिए। और कोई मसाला नहीं जाएगा बिरयानी में, है ना, बस यही है। तो अपना कटहल जो है वो आप समझ लीजिए इतना सारा है, उसी हिसाब से प्लीज़ पीस लगी ना, बहुत टाइम हो गया आपने पीसा नहीं। थैंक यू वेरी मच। अभी ये जिस तेल में आपने प्याज फ्राई किया ना, वो वाला तेल और मसाला। थैंक यू वेरी, बड़े फास्ट हैं आप, थैंक यू वेरी मच। ये जो ऐसे मोटा मोटा ना दरदरा ऐसे ही पीसना है मसाला। देखिए अब ये समझ लीजिए कि अपने पास एक छोटा कटहल था, एक छोटे कटहल के अंदर हमने डाला है लगभग आधा कप तेल, ठीक है। क्या रह गया इसके अंदर, अभी 3 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको छोड़ देना है कम से कम आधा घंटा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जब तक आप चाहें। उससे क्या होगा ना, मैरिनेशन अंदर तक घुस जाएगा, कटहल नरम हो जाएगा, फ्लेवर्स इंटेंस हो जाएंगे। ये कटहल के साथ दही का मेल वैसे भी अच्छा है, क्योंकि दही जो है वो अंदर तक घुस जाता है मैरिनेशन के साथ, कटहल के अंदर तक। तो कटहल के जो रेशे रेशे हैं ना, ये इनके अंदर दही बराबर से मसाले को ले जाता है, इसलिए कटहल के मैरिनेशन में दही हमेशा इस्तेमाल करें। मैंने 2.5 प्याज लिया है ना, आप चाहें तो 3 भी ले सकते हैं कटहल के लिए। क्या है कि बिरयानी का और प्याज का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, और कटहल का प्याज का कनेक्शन भी बहुत स्ट्रांग है। कभी भी कटहल का असली मज़ा लेना है तो अगर आप स्लाइस प्याज करके डालेंगे तभी आएगा मज़ा, है ना। तो इसलिए प्याज में कंजूसी ना करें। प्याज फ्राई करने के लिए तेल, एक तेज पत्ता, दूसरी तरफ ये जो चावल उबालना है ना, ये पानी गर्म है, थोड़ा अपना बिरयानी वाला मसाला, नमक, हल्का सा घी। नो प्याज नो फन ना, इसलिए प्याज जरूर डालिए, ठीक है ना। प्याज को ना लाइट ब्राउन करना है बस, डार्क ब्राउन नहीं करना, यानी कि प्याज की जूसीनेस जो है वो रहनी चाहिए, बाकी गॉड इज ग्रेट, है ना। बस देखिए प्याज जो है वो ऑलरेडी लाइट ब्राउन होना शुरू हो गया ना, 1 मिनट में अपने मतलब का हो जाएगा।
अच्छा यहाँ पर जो है कटहल की बिरयानी में जो चावल है वो थोड़ा ज़्यादा मसाले वाला होता है, इसलिए मैंने मसाला यहाँ पानी के अंदर डाला है। चावल का रंग उससे थोड़ा लाइट ब्राउन में आ चला जाएगा। अगर आप चाहें तो मसाला ना डालें, अगर आपको बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद एकदम वैसा वाला रंग चाहिए तो चावल का, है ना। ये लीजिए, हो गया लाइट ब्राउन प्याज। अभी इम्पॉर्टेंट क्या है कि कटहल को कम से कम 80% कुक करना है, यानी कि वक्त दीजिए। उससे क्या ये टाइम बच जाता है, ये वाला जो टाइम है बच जाता है, लेकिन अगर कटहल फ्राई कर दिया तो फिर वो मैरिनेशन उस हिसाब से नहीं पकड़ता। यानी कि वो दही वाला मैरिनेशन अगर आप चाहते हैं कटहल के अंदर एकदम बराबर से घुस जाए तो फिर उसको फ्राई ना करें, कच्चे में ही डालें। यहाँ पर वक्त ज़्यादा दे दें पकाने में, ज़्यादा बेटर है। ठीक, सब बता दिया मैंने। अब आप ये नहीं कह सकते कि अगर आपको लग रहा है कि कटहल पकने के लिए पानी थोड़ा कम है, कटहल में पानी थोड़ा कम है, तो अपने चावल वाला गर्म पानी लीजिए और थोड़ा डाल लीजिए और इसको दे लेंगे एक बॉयल। और इसके बाद निकाल लेंगे बहुत सारी ग्रेवी और थोड़ा सा कटहल। पानी में नमक ज़्यादा, ये चावल, ठीक है। चावल को कम से कम नहीं तो आधा घंटा सोक करना है और गैस फुल। अब क्या रह गया, अब कुछ नहीं रह गया, उस बिरयानी बनानी रह गई। अच्छा कुछ लोग केवड़ा वगैरह भी डालते हैं, आप चाहें तो हल्का सा केवड़ा डाल सकते हैं, गुलाब जल डाल सकते हैं। नहीं डालना तो मत डालिए, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई कंपल्सरी नहीं है। ठीक, देखिए चावल की सोकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप बिरयानी बना रहे हैं। अगर आपको शॉर्ट सर्किट करना है कुछ तो चावल की सोकिंग का समय कम मत करिए। आप चाहे तो कुकर में अपने कटहल को सीटी मरवा लीजिए या फिर कटहल को फ्राई कर लीजिए, वो पार्ट शॉर्ट सर्किट करेंगे फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो एक्सेप्टेबल है। चावल आप कम सोक करेंगे वो कॉम्प्रोमाइज़ एक्सेप्टेबल नहीं, क्योंकि ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाएगा। ठीक है जी, बता दिया मैंने। दूसरी चीज़, कटहल के साथ खट्टे का मेल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए अगर आपकी दही खट्टी है तो अच्छी बात है, अगर दही खट्टी नहीं है तो हल्का सा नींबू का जूस मैरिनेशन में डाल लें। ठीक है जी, तो ये बेसिकली एक तो ये मसाले वाली लेयरिंग है जो बीच में आएगी और उसके ऊपर बनाते हैं एक क्रीम वाली लेयरिंग। ये जो क्रीम वाली लेयरिंग है ये सबसे ऊपर जाएगी, इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा फैट रहना चाहिए। बिरयानी मसाला, हल्का सा स्याह जीरा, थोड़ी सी क्रीम। ये सीक्रेट हम किसी को नहीं बताते। चावल की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो आपको चबाने पे लगे कि हल्का सा कच्चा है, इसका मतलब नीचे वाली लेयर के लिए रेडी है। ये आप हालत देखिए इसकी, पास से नज़दीक से एक कनी से थोड़ा ज़्यादा कसर है। अगर आप चावल को नज़दीक से देखेंगे तो उसमें ऐसे डॉट 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 दिखेगी, इसका मतलब फर्स्ट लेयर के लिए रेडी। धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, बिरयानी का मसाला और इसके बाद सेकंड लेयर। सेकंड लेयर मतलब चावल जब लगभग पक जाए। जो ऊपर वाली लेयर है ना, यानी कि जिसमें आपने केसर डाला हुआ है, उस लेयर में हल्का सा केवड़ा आप चाहें तो डाल सकते हैं, गुलाब या केवड़ा, बस। अब इसको दम दिया है 10 से 12 मिनट, उसके बाद गैस को लास्ट में तेज किया है ताकि एकदम से वो जो भाप आए वो कुकिंग में हेल्प करे, और 10 तक गिन के इसको कर दिया है बंद। अभी इम्पॉर्टेंट क्या है, अभी इम्पॉर्टेंट ये है कि इसको एकदम से ना ही खोलना है ना ही चलाना है। बिरयानी को बंद करने के बाद उसको कम से कम नहीं तो 5 से 7 मिनट छोड़ना है। सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हम बिरयानी को जैसे ही निकालते हैं उसके बाद निकाल के और फटाक से गरम गरम में खोल के और उसको चला देते हैं। चावल को फ्लेवर्स पकड़ने में वक्त लगता है, राइट। और दूसरी चीज़, वो फ्लेवर्स को अंदर मच्योर होने में वक्त लगता है, इसलिए कभी भी बिरयानी को बंद करें उसके बाद छोड़ दें उसको। दूसरी चीज़, ये जो स्टीम आ रही है, ये स्टीम इस बात का प्रूफ है कि दम बराबर से हो रहा है, राइट। दम मतलब क्या होता है, दम मतलब भाप, भाप मतलब सांस, राइट। तो सांस नहीं रुकनी चाहिए बिरयानी की, यानी कि दम हमेशा आता रहना चाहिए। मतलब बेसिकली इसको हम बोलते हैं कि दम देना, उसका मतलब ये होता है कि स्टीम को धीरे धीरे गर्म हीट में रोटेट करवाना, राइट। अगर आप इसको ओवन में डालना चाहते तो ओवन में भी डाल सकते थे। अगर आप इसको ओवन में डाल रहे थे उस केस में चावल के ऊपर एक गीला कपड़ा डाल दीजिए और उसके बाद इसको ओवन में डालिए, क्योंकि ओवन में डालेंगे तो ऊपर से चावल के सूखने के चांसेस होंगे। ओवन में इसको डालिए 160 to 165 डिग्रीज पे, यानी कि बहुत हाई ओवन में नहीं, और कम से कम नहीं तो 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए।
ऐसे ही आप चिकन या मटन बिरयानी को भी अवन में डाल सकते हैं। इसी तरह 15 से 20 मिनट के लिए, प्रोसेस चेंज नहीं होगा। ऊपर से अच्छा गीला कपड़ा डाल दीजिएगा। सब बता दिया मैंने। किसी भी किस्म की वेज बिरयानी है तो उसमें नेचुरल फैट कम होगा, इसलिए थोड़ा सा घी ऊपर से डाल लीजिएगा। लेकिन अगर नॉन वेज बिरयानी है तो ऊपर से घी डालने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यूजुअली मटन में फैट इतना होता ही है। हल्का सा मैं इसलिए खोल रहा हूँ कि भाप जो है वो निकल जाए। कोई कह सकता है कि मटन नहीं है? ये जो तीन आपने चावल की तह बनाई है ना, सबसे नीचे वाला मसाले वाला चावल, उसके ऊपर का खिला हुआ चावल और उसके ऊपर का खुशबू वाला चावल, ये तीनों चावल की तह बिरयानी में आनी कंपलसरी है, नहीं तो फिर बिरयानी बिरयानी नहीं हुई ना। अगर इसका प्रोमो नहीं बना, जहाँ पर लोगों से ये नहीं पूछा गया कि बताइए कि ये बिरयानी वेज है कि नॉन वेज, तो क्या फ़ायदा हुआ बिरयानी बना के? जो ये बिरयानी देख के इस मटन की क्वालिटी के बारे में कमेंट कर सकता है वो अच्छा शेफ है। अभी खाया जाए। किचन सिंक के बगल में ना हर एक की कंफर्ट प्लेस होती है, हर एक को किचन सिंक के बगल में जाके खाना बड़ा अच्छा लगता है। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। चाहे तो अपने शाकाहारी दोस्तों को मटन बोल के खिलाइए, चाहे अपने मांसाहारी दोस्तों को मटन बोल के खिलाइए। रेसिपी की रेसिपी और दोस्तों के साथ मजे लेने का पूरा मौका। वाह भाई वाह, क्या गला है कटहल भी।